हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल सेट 5 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3 और मॉडल सेट 4 को कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करके देख लीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। जी हाँ, मैंने अपलोड कर दिया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट को कवर करने वाले हैं और ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल सेट है। इस तरह के हम लोगों ने यानी 5 मॉडल सेट कवर कर लिया है। तो आपको सारे मॉडल सेट को देखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, वो मॉडल सेट से ही पूछे जाते हैं। तो आपको मॉडल सेट कवर करना जरूरी है। तो आज के इस क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हुआ है, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है और मैं लाइव कमेंट में भी पिन कर दूंगा और वहाँ से भी आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको हर हाल में जुड़ जाना है। जी हाँ, क्योंकि वहाँ से आप अपने डाउट्स को और जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं और वहाँ से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बिना टाइम को वेस्ट हुए क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आप लोग कमेंट में फटाफट यानी साथ साथ में मुझे आंसर देते चलिएगा कौन सा करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, ही इज टॉलर देन यू डैश 2 इंचेज। यहाँ पे आपको करेक्ट प्री पोजिशन बताने हैं, कौन सा प्री पोजिशन का यूज होगा। वेरी गुड, यहाँ पे सबने आंसर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी बताया, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी ही इज टॉलर देन यू बाई 2 इंचेज। चलिए, इसी तरह आप लोग क्लास के लास्ट तक आंसर देते चलिएगा कौन सा करेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, हैव यू सीन डैश ताजमहल। यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल आएगा। यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी हैव यू सीन द ताजमहल। अब यहाँ पे 3 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, आई डैश स्पीक स्पेनिश। यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करने हैं, कौन सा ऑप्शन आएगा। वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यानी आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आई एम डैश माई बेड, यहाँ पे भी आपको बेस्ट वर्ब फॉर्म बताने हैं, कौन सा वर्ब फॉर्म होगा। तो यहाँ 4 का आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी आई एम मेकिंग माई बेड हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए और राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, विजडम इज डैश गिफ्ट ऑफ हेवन। यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल बताने हैं, कौन सा आर्टिकल आएगा। वेरी गुड, 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड, तो आप लोग आंसर इसी तरह सही देते चलेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो यहाँ पे 6 का भी आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, ग्रैंडमा इज अराइविंग डैश द 3:30 PM ट्रेन। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताने, कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यानी ग्रैंडमा इज अराइविंग एट द 3:30 PM ट्रेन। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, आई हैव नॉट सीन हिम डैश हिज लास्ट बर्थडे। यहाँ पे अभी आपको प्रीपोजिशन का यूज करने है, कौन सा आएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा यानी सीन्स हिज लास्ट बर्थडे हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको सेंटेंस जो करेक्ट है उसको चूज करने हैं। तो यहाँ पे 8 में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यानी योर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में द ट्रेन इज वेरी क्राउडेड दैट इज यूजुअल। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन है वो आपको बताना है, कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे सही है। 9 में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड। चलिए, अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, शी फर्स्ट मेट मी डैश ईयर अगो। यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल यूज होगा। तो यहाँ 10 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी अ ईयर अगो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या बोला जा रहा है, डैश एप्पल फेल फ्रॉम डैश ट्री। यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल बताना है यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे 11 में। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यानी एन एप्पल फेल फ्रॉम अ ट्री राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, डैश इटालियन कम्स टू सी मी डैश आर अगो। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल यूज होगा। तो 12 में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी एन इटालियन कम टू सी मी एन आर अगो हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या बोला जा रहा है, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको आर्टिकल पुट करने हैं, कौन सा आर्टिकल आएगा। तो 13 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। चलिए, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 14 में शी जम्प्ड
डैश द वेल, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा। वेरी गुड, 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इन टू द वेल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 15 देखिए क्या बोला जा रहा है, यू मस्ट बी वेयर डैश टाइगर्स। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी यू मस्ट बी अवेयर ऑफ टाइगर्स हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर बताते चलिएगा। क्या बोला जा रहा है, ही इज टायर्ड ऑफ प्ले, ही वांट्स टू रेस्ट। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन बताने हैं कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेक्ट है। तो 16 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ही इज टायर्ड ऑफ प्ले सो वांट रेस्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला जा रहा है, सतीश इज माई फ्रेंड, ही प्लेज क्रिकेट विद मी। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा ऑप्शन यानी कॉम्बिनेशन का करेक्ट है। तो 17 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, ए हो जाएगा, यानी सतीश माई फ्रेंड प्लेज क्रिकेट विद मी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या बोला जा रहा है, द ट्रेन डैश जस्ट अराइव्ड। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है यहाँ पे। तो 18 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोला जा रहा है, हिज टू सन्स डैश स्टिल वेरी यंग। यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताना है कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे यूज होगा। तो 19 में ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हिज टू सन्स आर स्टिल वेरी यंग। चलिए इसी तरह क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ, क्योंकि हम लोग इस क्लास में जो कवर कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपको देखना जरूरी है, आपको स्किप नहीं करना है। जी हाँ, आपका एग्जाम का लास्ट टाइम है और आपको जितना हो सके उतना क्वेश्चन को आपको कवर करना है। और मैं जो कवर करा रहा हूँ ये यानी मॉडल पेपर है, आपको पता ही है कि मॉडल पेपर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नहीं आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है आपको क्लिक करके जुड़ जाना है। जी, अगर आप एक्सप्लेन में आंसर चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, वहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, इच वन ऑफ यू डैश टू कलेक्ट ए फ्यू रुपीज। जी हाँ, यहाँ पे 20 में आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इच वन ऑफ यू हैज टू कलेक्ट ए फ्यू रुपीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए अब क्या बोला जा रहा है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने हैं कौन सा यहाँ पे है। तो 21 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी ही गेव मी थैंक्स। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने है, यानी कौन सा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी ही थिंक्स ही इज ए नेपोलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, द एंटोनिम ऑफ कैच। जी हाँ, यानी कैच का एंटोनिम यानी आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है कौन सा यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड है। तो 23 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं कैच का ड्रॉप हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, ही क्वारेल्ड डैश माई ब्रदर। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं विद माई ब्रदर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है, द थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस। यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन का यूज करने है कौन सा आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इन टू हिज हाउस। आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है, रमेश इज सीनियर डैश मी। यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन का यूज करने है कौन सा आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी टू मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए अब क्या बोला जा रहा है, ही बिहेव्स लाइक डैश फूल। यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल पुट करने है कौन सा आएगा। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ही बिहेव्स लाइक ए फूल हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है, 28 में डोंट ट्रस्ट दैट फेलो ही इज डैश लायर। यहाँ पे भी आपको आर्टिकल बताना है कौन सा आर्टिकल आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ही इज ए लायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या बोला जा रहा है, द अर्थ डैश अराउंड द सन। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट वर्ब फॉर्म बतानी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पे 29 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रिवॉल्व्स द यानी रिवॉल्व्स अराउंड द सन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है, 30 में द चिल्ड्रेन डैश देयर मिल्क ट्वाइस एवरी डे। जी हाँ, बेस्ट वर्ड फॉर्म बताने हैं आपको कौन सा होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ड्रिंक देयर मिल्क ट्वाइस एवरी डे। आप 31 को देखिए और राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा करेक्ट है, डोंट वॉक ऑन द ग्रास। जी हाँ, यहाँ पे आपको
पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 31 में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी नन ऑफ द एवब, यहाँ पे कोई सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जाए। 32 में ही हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं तो कौन सा ऑप्शन 32 का करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं, ए सॉन्ग हैज बीन बींग संग बाई हिम फॉर 2 आवर्स। जी हाँ, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका यानी पैसिव वॉइस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बी नंबर, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है। द सिनोनिम ऑफ जर्नी। जी हाँ, तो जर्नी का सिनोनिम मानी एक मीनिंग वाला वर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं ट्रिप हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। जी हाँ, तो 34 में क्या बोला जा रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यानी राइट आंसर बताइए। एलेक्स शाउटेड लेट मी गो। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट नरेशन बताने हैं इस सेंटेंस का, तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 34 में। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं एलेक्स शाउटेड एट देम टू लेट हिम गो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है। ए क्लेवर माउस सेड टू ऑल लेट्स बेल द कैट। यहाँ पे भी आपको इनडायरेक्ट नरेशन में यानी बदलने हैं सेंटेंस को, तो यहाँ पे 35 में कौन सा हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी एक क्लेवर माउस प्रपोज टू ऑल दैट दे शुड बेल द कैट, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। जी हाँ, 36 में क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 36 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, माई सन लुक्स लाइक मी, राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे 37 को देखिए क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस को चूज करने कौन सा है, तो 37 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर। चलिए अब यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है। बैड ब्लड मीन्स। जी हाँ, तो बैड ब्लड का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 38 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, एनमिटी राइट आंसर हो जाएगा। अब 39 को देखिए, 39 में क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यानी कौन सा वर्ड है यहाँ पे इसका स्पेलिंग करेक्ट है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में जो नर्सरी है बिल्कुल राइट है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है। लैंड ऑन द एज ऑफ द सी कॉल्ड। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, जो लैंड यानी सी के किनारे होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कोस्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है। 41 में ही टॉल द बॉय नॉट टू सीट देयर। जी हाँ, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नरेशन बताने हैं इस सेंटेंस का, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं डोंट सीट हेयर ही सेड टू द बॉय। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज। जी हाँ, चेंज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी एक मीनिंग वाला वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अल्टर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है। मिस एलिजा स्पीक्स डैश चाइनीज। यहाँ पे आपको आर्टिकल बताना है कौन सा आर्टिकल यूज होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है। वाई डोंट डैश गो आउटसाइड। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज करने हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है, तो 44 में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वाई डोंट यू गो आउटसाइड। चलिए आप 45 को देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। आई डैश इटन। चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने हैं कौन सा होगा, यहाँ पे 45 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई हैव रिटन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 46 में क्या बोला जा रहा है। अब गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी चूजन। जी हाँ, फिट टू बी चूजन के लिए एक वर्ड क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, एलिजिबल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। जी हाँ, 46 तक हो चुका है, 47 में क्या बताया जा रहा है। सी हैज लर्न हर लेसन। यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बताना है कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हुआ पैसिव वॉइस में, तो 47 में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हर लेसन हैज बीन लर्न बाई हर हो जाएगा। चलिए 48 को देखिए क्या बोला जा रहा है। आई रीड द रामायण। यहाँ पे आपको सुटेबल फ्रेज बताना है कौन सा सुटेबल फ्रेज होगा यहाँ पे, तो 48 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नाउ एंड अगेन। चलिए आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 क्या बोला जा रहा है। 49 में
वन मैंस ट्रेस इज अनदर मैंस क्या हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा जी, यानी वन मैंस ट्रेस इज अनदर मैंस ट्रीज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 50 देखिए क्या बोला जा रहा है, यू आर राइटिंग ए लेटर, जी हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट क्वेश्चन टैग बताना है कौन सा क्वेश्चन टैग आएगा। तो 50 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी आर नॉट यू राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जा रहा है, इट विल बी रेनिंग, यहाँ पे आपको भी क्वेश्चन टैग यूज करने है कौन सा क्वेश्चन टैग होगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी, यानी क्या हो जाएगा, वॉन्ट इट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 देखिए अब क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो यहाँ पे 52 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द रेलवेज विल कॉम्पेंसेट अस फॉर द लॉस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 क्या बोला जा रहा है, इफ़ यू डैश आई विल हेल्प यू, यहाँ पे बेस्ट वर्ब फॉर्म बताने हैं कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा, तो यहाँ 53 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी इफ यू कम आई विल हेल्प यू राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 54 को देखिए क्या बोला जा रहा है, आई सॉ टू क्रोज डैश पॉकिंग देयर हेड्स एट द फ्लावर पॉट, जी हाँ यहाँ पे आपको बेस्ट वर्ब फॉर्म बताने हैं कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी, यानी प्लेफुल्ली हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला जा रहा है, देखिए और करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जी हाँ यहाँ पे भी आपको जो वर्ड है उसका स्पेलिंग कौन सा करेक्ट है वो बताने हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी एथिस्ट का स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे 56 को देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जी हाँ यहाँ पे भी आपको कौन सा वर्ड का स्पेलिंग यानी करेक्ट है कौन से ऑप्शन में, तो 56 में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं कन्फेज। चलिए अब देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है, ही लेबर्स हार्ड ही हैज टू सर्वाइव, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन चूज करने हैं, यानी कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेक्ट है, तो 57 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी, यानी ही लेबर्स हार्ड टू सर्वाइव हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 58 क्या बोला जा रहा है, 58 में द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ऑन हाउस डैश ऑर्डर, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी, यानी इन ऑर्डर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 देख लेंगे अब क्या बोला जा रहा है, वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग डैश दीज कंडीशन, जी हाँ कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी, यानी विद दीज कंडीशंस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 60 में आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, जी हाँ आपको पैसिव वॉइस बताना है कौन सा पैसिव वॉइस करेक्ट है, तो 60 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाई मी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है, डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव संग, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन बताना है आपको कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी If I could sing, I would have sung right answer हो जाएगा। अब यहाँ पे 62 को देखिए क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने है कौन सा हो जाएगा, तो 62 में कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं यू वोट एज यू आर 18 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 जी हाँ 63 में क्या बोला जा रहा है, द एंटोनिम ऑफ नेचुरल, जी हाँ तो नेचुरल का एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आर्टिफिशियल। चलिए यहाँ पे 64 को देखिए अब क्या बोला जा रहा है, डू यू डैश योर फर्स्ट यानी टीचर, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज करने हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर। अब यहाँ पे 65 को देखिए क्या बोला जा रहा है, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू डू सम, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज करने हैं कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी गिव अस टू द चांस टू डू सम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जाए, 66 में द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज बाई, जी हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं करेक्टराइज बाई क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 67 को देखिए क्या बोला जा रहा है, ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, जी हाँ तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं द ग्रेट वावल शिफ्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमें 68 को देखिए, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाई डैश चीफ फैक्टर्स, जी हाँ कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा,
टू चीफ फैक्टर्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। ए मैरिज प्रपोजल इज ए, जी हाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी इज ए क्या है ये कॉमेडी राइट आंसर आपका हो जाए। जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द, जी हाँ डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या हो जाएगा, किसके बारे में बात करता है, यानी फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जाए। 71 में सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, जी हाँ ये जो यहाँ पे लाइन है ये यानी कहाँ से लिया गया है, कहाँ से है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 72 में देखिए क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot मैकावीटी इज ए, जी हाँ तो क्या हो जाएगा, इज ए मास्टर क्राइम यानी क्रिमिनल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 में वॉल्ट विटमैन वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स इन, जी हाँ तो किसमें, यानी वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया था, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं इन द सिविल वार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला है। 74 में रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए, जी हाँ रिमेंबर कैसे याद किया था, यानी वॉर पोएट के रूप में याद किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 75 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है, D.H. लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, जी हाँ क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रिमिटिव लाइफ इन स्नेक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला जाए। 76 में ऑल टू ऑटम इज, जी हाँ तो क्या है ऑल टू ऑटम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी एंड ऑड। अब यहाँ पे 77 को देखिए क्या बोला जा रहा है, बेंजी आउंड ए, जी हाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी आउंड ए फोर्ड वैन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है। 78 में यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा, आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है, भूलना नहीं है आपको। वैन इज सेंसरशिप इम्पोज इन प्रेस ऑन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन, जी हाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ड्यूरिंग इलेक्शन हो जाएगा। अब 79 को देखिए क्या बोला जा रहा है, द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील टू साइबी वॉज, जी हाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, इवन एंड सिमेट्रिकल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ अभी आपको क्लास को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना अपने दोस्तों में, इन्हें शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, आपको इन्हें सब्सक्राइब करना मत भूलना है। जी हाँ क्योंकि हम लोग क्योंकि इस चैनल में जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी क्लासेस आपकी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको यहाँ से जो पढ़ाया जाता है वो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, और लाइव कमेंट में भी जो टेलीग्राम का लिंक है पिन कर दिया गया, आप वहाँ से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, और जो भी डाउट्स हो क्वेश्चन हो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में 80 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो, जी हाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गेव द नेग्रो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 81 क्या बोला जा रहा है, आवर एंसेस्टर्स डिसवाइडेड अस फ्रॉम, जी हाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं लग्जरीज एंड प्लेजर राइट आंसर हो जाएगा। अब 82 को देखिए, पीपल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विद, जी हाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाइड विद विलेजेज। अब यहाँ 83 को देखिए क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली, जी हाँ क्या एक्सप्लेन किया था उन्होंने, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंडियन फिलोसफी राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला जाए। 84 में आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई किंग ऑ, जी हाँ कब दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोला जा रहा है, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं मेड लाइफ प्लीजेंटर। अब यहाँ पे 86 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाई, जी हाँ तो किसके द्वारा लिखा गया है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो भाई 86 में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ बर्ट्रेंड रसेल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 87 को देखिए क्या बोला जाएगा, 87 में इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुकड आफ्टर बाई द, क्या हो जाएगा, बाई द ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी हॉल फैमिली। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, हु हैज़ रिटन ए चाइल्ड इज बोर्न, जी हाँ किसने लिखा है चाइल्ड इज बोर्न, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
सी हो जाएगा यानी जर्मेन ग्रियर यानी जी ग्रियर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 89 को देखिए, बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज, जी हाँ क्या हो जाएगा यानी व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, 90 में एच ई बेट्स वॉज बोर्न इन, जी हाँ तो कहाँ कब पैदा हुए थे एच ई बेट्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1905 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 91 को देखिए, नतालिया इज, जी हाँ क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं, नतालिया इज ए पीस लविंग। अब यहाँ पे 92 में राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, लोमो प्रपोज नतालिया, जी हाँ कैसे किया था बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यानी इनडायरेक्टली। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93 में क्या बोला जा रहा है, विटमैन वॉज बोर्न इन, जी हाँ तो विटमैन कब पैदा हुए थे, तो 93 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी 1819 यानी 1819 में पैदा हुए थे। अब यहाँ पे 94 का एड्रेस बताइए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, जी हाँ तो क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, इज ए लिरिक राइट आंसर हो जाएगा। अब 95 में देखिए, कीट्स वॉज डैश पोएट, जी हाँ कैसे पोएट है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, वॉज ए रोमांटिक पोएट राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 96 को देखिए क्या है, 96 में हु कॉल्ड ऑल टू ऑटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ऑर्ड्स, जी हाँ किसने कहा था बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यानी आर्थर कॉम्प्टन रिकेट राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे 97 को देखिए, ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रियटिज्म इन द डैश फेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जी हाँ तो कौन सा हो जाएगा अर्ली फेस यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, 98 में हु हैज़ कंपोज द पोएम मैकावेटी द मिस्ट्री कैट, जी हाँ तो किसने लिखा है मैकावेटी द मिस्ट्री कैट को, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं, टी एस एलियट राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 99 को देखिए क्या बोला जा रहा है, एलियट वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, कब अवार्ड किया गया था नोबल प्राइज से, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1948 ईस्वी में, जी हाँ। तो आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे आज के इस मॉडल सेट का, क्या बोला जा रहा है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, तो स्नेक पोएम में कौन स्पीकर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ राइटर डी एच लॉरेंस कुछ क्या है वो स्पीकर है, जी हाँ। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो मॉडल पेपर 5 है इंग्लिश का कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने इससे पहले जो मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 है नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डाल दिया है, और जो टेलीग्राम का लिंक डाला गया है वहाँ से भी आपको जुड़ जाना है, जो भी डाउट्स हो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप टाइम पर क्लास को अटेंड कर सके। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी डाउट होगा और जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, और टेलीग्राम में भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय टाटा सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।